मूवी के स्टार्टिंग में हम स्कारलेट नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो पानी के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। उसे वहाँ पर एक बॉक्स भी मिलता है जिसको वह बाहर निकालकर अपने हस्बैंड को दिखाती है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर उन दोनों की काम की कोई चीज़ नहीं थी। अब सीन यहीं पर ही शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को किसी से बचकर भागते हुए देख पाते हैं। तभी कोई उसके ऊपर गोली चलाता है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो आदमी उसके पास आता है तो हम उसके फेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अब अगले ही सीन में हमें मूवी के स्टार्टिंग में जो कपल्स को दिखाया गया था वो कपल्स और उसके टीम को दिखाया जाता है जो कहीं पर खजाना ढूंढने के लिए जाने वाले थे और इसीलिए वो लोग मैप को अच्छी तरीके से विजिट कर रहे थे। इसके बाद अगले ही दिन वो लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और काफ़ी दूर जाने के बाद वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं। टर्टर वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए जाता है और तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। जब टर्टर उस बॉक्स को सबके सामने लेकर आता है तब सभी उस बॉक्स को देखकर उसे पागल कहते हैं। इसके बाद उन लोगों को वहाँ पर एक सुरंग देखने को मिलता है और वो लोग उस सुरंग के अंदर जाते हैं। अंदर काफ़ी अच्छा नज़ारा था जिस वजह से वो लोग वहीं पर ही फोटो खींचने लगते हैं, लेकिन तभी स्कारलेट मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो भयानक आदमी को देखा था उस आदमी को देख पाती है। वो आदमी अचानक उन लोगों पर गोली चलाता है जिससे उनमें से कई सारे लोग मारे जाते हैं। सेब वहाँ से किसी तरीके से बचकर निकल जाता है और स्कारलेट वहीं पर ही एक पत्थर के पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी स्कारलेट के फ़ोन में अलार्म बज जाता है जिस वजह से स्कारलेट पकड़ी जाती है। अब वो आदमी स्कारलेट को अपने ठिकाने पर लेकर जाता है जो कि कीचड़ से भरा हुआ था और वो स्कारलेट को उस कीचड़ में फेंक देता है। यहाँ पर फाइनली हम उस आदमी के फेस को भी देख पाते हैं जो कि दरअसल एक इंसान नहीं सुअर था। वो सुअर स्कारलेट को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है और उसके सामने ही एक इंसान को बहुत ही ब्रूटली तरीके से काटने लगता है जिसको देखकर स्कारलेट रोने लगती है। अब शाम में स्कारलेट किसी तरीके से उस पिंजरे से निकलकर एक रूम में जाती है जिसमें बहुत सारे इंसानों के कटे हुए सर थे जो देखकर स्कारलेट बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो सुअर भी आ जाता है और वो स्कारलेट को पकड़कर अपनी दूध पिलाने की कोशिश करती है, पर तभी उस सुअर को कोई पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं सेव थी जो उन लोगों से बचकर भाग गई थी। इसके बाद सेव स्कारलेट को लेकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में स्कारलेट सेव से पूछती है कि वो कैसे उस सुअर से बच गया, जिसमें सेव कहती है कि उन सुअरों ने उसे नहीं मारा बल्कि उसे छोड़ दिया। अब वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए भागने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद सेव एक तालाब में गिर जाती है जिसके अंदर एक इंसान का कटा हुआ सर था जिसको देखकर सेव पूरी तरीके से डर जाती है और तभी वहाँ पर वो सुअर भी पहुँच जाता है जिस वजह से उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। अब वो दोनों वहाँ से भागते भागते एक गुफा के सामने पहुँच जाते हैं और जब वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उस गुफा के अंदर और भी ज्यादा सुअर थे। अब इतने सारे सुअरों को देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आगे उन दोनों को एक रूम देखने को मिलता है और उस रूम के अंदर उन लोगों को काफी सारे मोबाइल फोन्स मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सुअर पहुँच जाता है और वो सेव को पकड़ लेता है। स्कारलेट भी दूसरी तरफ उसके ऊपर गन तान देती है और किसी तरीके से सेव को छुड़ा लेती है। इसके बाद स्कारलेट और सेव मिलकर उस सुअर को वहीं पर ही बांध देती है और उसके साथ कुछ फोटो खींचने लगती है ताकि वो पुलिस को वो फोटोज को दिखा सके। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उस बंधे हुए सुअर के पास एक और सुअर आता है। ये सुअर वही सुअर था जिस सुअर ने सेव को छोड़ दिया था, लेकिन ये सुअर उस बंधे हुए सुअर की कोई भी मदद नहीं करता। इसके बाद हम सेव को देख पाते हैं जो गर्मी की वजह से बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी और इसी वजह से वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है। स्कारलेट वहाँ पर बची हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक और सुअर आ जाता है जिस वजह से स्कारलेट को वहाँ से भागना पड़ता है और भागते भागते वो एक रिवर में जाकर गिर जाती है। अब स्कारलेट उसी पानी में ही बह जाती है और जब वो होश में आती है तो अपने आंखों के सामने कुछ लोगों को देख पाती है। अब वो लोग स्कारलेट से कुछ सवाल जवाब करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वो सुअर भी पहुँच जाते हैं और उन लोगों पर गोली चलाने लगते हैं जिससे उनमें से कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब स्कारलेट किसी तरीके से उनमें से कुछ लोगों को कार में बैठाकर कार को भगाती है, लेकिन वो सुअर कार में ही उन लोगों के ऊपर शूट कर देता है और स्कारलेट सीधा जाकर उस सुअर के ऊपर कार चढ़ा देती है। इसके बाद स्कारलेट कार से उतरकर उस सुअर के ऊपर गन तान देती है, पर वो सुअर उल्टा ही स्कारलेट के ऊपर हमला करता है और स्कारलेट को दबोच लेता है। इसके बाद मूवी के एकदम आखिर में हम देखते हैं कि वो सुअर स्कारलेट को घसीटते हुए लेकर जा रहा था और स्कारलेट की फेस को जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि स्कारलेट भी उन लोगों की तरह सुअर बन चुका था। और दोस्तों यहीं पर ये अजीब सी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हाल ही में मैंने संडे स्पेशल कुछ मूवीज को एक्सप्लेन किया है जिस मूवी की स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी, और मैं सिर्फ संडे को ही वो सारे मूवीज को एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप जरूर मेरे संडे स्पेशल वीडियोस को चेकआउट कर लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस को मैं एंड स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। आता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।